हेलो नमस्ते वेलकम टू सोशल पोस्ट टीवी नेन मी एंकर पप्पू मन नांपेल्ली एग्जिबिशन ग्राउंड लो उन्नामो इकड़ा बत्तिनी गौड फैमिली वालू चाल संवत्सराल नुंचली चाप प्रसाद पंपिणी चेयडम जरुगुतुंदी अंड विविध राष्ट्राल नुंचली इक्कड़की रावडम जरुगुतुंदी चाल मंदी वच्चारु राष्ट्राले कादनि विविध देशाल नुंचली कूडा वच्चिन वाळ्ळु उन्नारु इक्कड अंड वीळ्ळकि ए नम्मकंतोने वस्तुन्नारु वीळ्ळु एन्नि संवत्सराल चली वीळ्ळु इक्कड ई चाप प्रसाद तीसुकुंटुन्नारु कोत्त वाळ्ळु वच्चिन वाळ्ळुनु रिपीटेड अस्थमा पेशेंट्स वच्चिन वाळ्ळु कूडा उन्नारु वाळ्ळे माटलनि मनं तेलुसुकुंदां अंड बत्तिनी गौड फैमिली वाळ्ळु चाप प्रसाद ఈ రోజు చేస్తున్నారు ఇక్కడ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం దాదా హమ్నే బొంబాయి సే ఆయే ఇస్కే బారే మే బహుత్ సునా థా ఇస్కే బారే మే బహుత్ సునా థా కి మచ్లీ కి దవా ఖానే సే బహుత్ సారీ బిమారీ నికల్ జాతీ హై హమారీ ఏక్ బహన్ థీ ఇన్కో బచ్పన్ సే ఖాసీ సర్దీ ఆతీ థీ ఇన్కో ఇన్కో లేకే హమ్నే ఆయే దవా కే లియే పహలీ బార్ హై ఇన్కే బారే మే బహుత్ సునా హై కి ఇన్కో ఖానే సే నా సబ్ బిమారీ నికల్ జాతా తో హమ్నే పహలీ బార్ ఆయే నామ్ బహుత్ సునా हमने 6 घंटा 8 घंटा लाइन लगाया तो हमको जाके दवा मिला दवा खाने के बावजूद में बहुत अच्छा लगा हमको कोई कोई टेंशन नहीं हो रही ఎలా తెలుసా ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ చలే వచ్చారు ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలు చలి బాధ ఉంది మీకు ఆ చాలా రోజులు నుంచి చాలా రోజులు ఎంత ముందు తీసుకున్నారా ఇదే ఫస్ట్ టైమా ఇంత ముందు తీసుకున్నా మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేంజ్ రాలేదా ఏం చేంజ్ రాలేదు అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు నమ్మకంతోనే మళ్ళీ వచ్చారు చేంజ్ అవ్వాలి ఆ చేంజ్ ఓకే ఎన్ని సార్లు తీసుకున్నారు ఇంత ముందు పినపాక మండలం అండి ఓకే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఓకే పినపాక మండలం వెంకటరపేట నుండి వచ్చింది దీంట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే సూచనలు 28 దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయండి పాత బియ్యం గోధుమలు చక్కెర మేక మాంసం ఇవన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమేం చేయాలి ఇవి ఎన్ని డేస్ అండి ఇది 46 డేస్ 45 డేస్ వరకు ఏం పాటించాలో దీంట్లో మంచిగా రాసి క్లుప్తంగా రాసి ఇచ్చారండి దీన్ని ఫాలో అయిపోతే తగ్గుతుందన్న నమ్మకం అన్నమాట ఓకేనండి మై మేరా నా నుస్రత్ హై మై కర్ణాటక మైసూర్ డిస్ట్రిక్ట్ హెచ్డి కోటే సే ఆయా హు ఓకే మై 2006 మే ఏక్ బార్ ఆయా థా మేరకు దమ్కని అనే వీజింగ్ థా మేరా మా బాప్ నే కమ్ సే కమ్ 20 సాల్ పహలే సే జో కోషిష్ కరే నహీ కరే కామయాబ్ నహీ హువా జబ్ మై కాచిగుడా స్టేషన్ బేకరీ పే కామ్ పే థా మై 2000 पे जब मेरे को मालूम पड़े 2000 पे ये मिर्क करके जो नाम बोलते हैं इसका ये मिर्क जो मच्छी की जो दवा देते हैं ये सक्सेसफुल है जो भी दे रहा है इनका खानदानी से दे रहा है कम से कम एक 100 साल के हिसाब से जो देने वाला है ये आदमी लोग लेकिन इनकी दवा में पूरा कामयाबी है वो मैं दूसरी बार अभी फिर आके रहा हूँ 2000 पे एक बार लिया था 2020 पे लेके रहा हूँ लेकिन कामयाबी है इसका परहेज जो कर दिया तो कौन सा भी दवा इंग्लिश है जो मेडिसिन है उससे तो बिल्कुल ये ठीक है आयुर्वेदिक जो दवा ये है ये बिल्कुल ठीक है जो दवा देने वाले हमको भगवान और अल्लाह ने सारों को भी उनके घर पूरे खानदान फैमिली को ठीक करे और से तंदुरुस्ती दे చూశారండి కర్ణాటక మైసూర్ నుంచి కూడా రావడం జరిగింది అండ్ పత్యం కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ 2006 లో కూడా తీసుకున్నాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడికి టూర్కి వచ్చారు అలాగనే మళ్ళీ ఈ చేప ప్రసాదం తీసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాడు అతనికి చాలా బాగా నయమైందట నమస్తే హా నమస్తే భయ్యా కహాన్ సే హో ఆప్ హమ్ భయ్యా ఎంపీ సే మధ్యప్రదేశ్ సే మధ్యప్రదేశ్ సే హో జీ జీ ఓకే యహాన్ పే కిత్నే సాల్ సే ఆ రహే హో ఆప్ हमें पहले मेरा तो पहले चांस है और भी लोग आते रहे तो उनसे पता चलता रहा यहाँ पे अच्छा होता दवाई वगैरह जो मिलती है मच्छी तो उससे काफी लोग ठीक हो गए अच्छा लेकिन उसके कुछ शर्तें भी है कि परहेज रखना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करो तो निश्चित ही लाभ होता है और काफी लोगों को हुआ है नमस्ते अम्मा नमस्ते कहाँ से आए हो छत्तीसगढ़ से अच्छा रहता बिल्लो आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे हम लोग पहले भी 3 साल आए हैं अच्छा। उसके बाद कोविड हो गया तो फिर नहीं आ पाए ओके लगा ही नहीं शिविर अच्छा उसके बाद फिर अभी आए हैं ओके 3 साल लिए ना आप 3 साल लेने से आप कुछ फर्क दिखा आपके बाद बहुत फर्क हुआ जी नहीं तो इनको तो रात में सो नहीं पाते थे अच्छा अब तो अच्छा सोते भी हैं अच्छा है तो हम सोचे और दिला देते हैं 2-4 बार ओके तो इस साल आए हैं फिर अगले साल लगेगा तो फिर आएंगे ओके हमारा तो यही कि इनकी तबीयत अच्छी रहे अच्छा ओके और भाई का भी तबीयत अच्छी रहे ओके अभी 3 साल पहले आपके फैमिली में कोई इस्तेमाल कर रहे थे क्या
नहीं, पड़ोसियों से पता चला था। पड़ोसियों से पता चला। ओके, वैसा आप लोग यहाँ पे आए थे। हाँ। तो आपको भी अच्छा रिजल्ट आया? हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छा। अच्छा, कहाँ से आए हो? बैंगलोर से सर। बैंगलोर से आए हो, कर्नाटक से आए। कितने साल से आ रहे हो यहाँ? ये तो ये दवा के लिए पहली विजिट है सर। पहली विजिट है दवा के लिए। ओके, कौन बोला है आपको, कैसा पता? ये हमारा ऐसा ही खानदान में जो रिश्तेदार है, इधर आते जाते रहते हैं। इधर बोले कि ऐसा आस्थमा वाले, जो सर्दी का इलाज वाले, जो सांस लेना तकलीफ हो रही है, उनको इलाज देते हैं। अच्छा अच्छा है, बल्कि आए हैं, खाए भी है। लेकिन थोड़ा बहुत बहुत भीड़ था आज। आज ये भीड़ होने से तकलीफ भी हुई। तकलीफ भीड़ में? आपको तकलीफ? भीड़ बहुत तकलीफ। लेकिन मच्छी प्रसाद से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं? नहीं, उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से मिल गया। लेकिन जो भीड़ थी ना, इसको मैनेज नहीं कर सके उन लोगों ने, सिस्टम से करना था। फिर तो बाहर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से क्या, बाहर कंट्री से भी आए हैं, तो थोड़ा बहुत सिस्टम से करना था। जेंट्स का, लेडीज का थोड़ा अलग करना था, सीनियर्स का थोड़ा अलग करना था। कहाँ से आए हो? मैं इंदौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर। मध्य प्रदेश से आए हो? ओके, ये कैसा पता चला है आपको यहाँ पे दे रहे बल्कि चैप प्रसाद? हमारे एक परिचित मित्र है, उन्होंने हमको बताया था यहाँ का पता। अस्थमा और खांसी वगैरह की जो बीमारी होती है, उसके लिए मच्छी प्रसाद हम दिया जाता है। अच्छा, तो मैं लॉकडाउन के पहले, मतलब 3 साल लगातार आया हुआ हूँ। ओके, लॉकडाउन के बाद में अब स्टार्ट हुआ है, तो फिर अब वापस जो बचा हुआ मेरा 5 साल का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके, इससे पहले कितने बार लिए? 2 बार लिए? 3 बार लिए। 3 बार लिए और 2 बार लेना? 2 बार और लेना है। 2 बार और लेना है। पहली बार ले रहे, अब तक कुछ फर्क है क्या आपके? 100% उसमें बहुत फर्क है मेरे को। ओके, मतलब पहले जो बार बार छींके आती थी, खांसी चलती थी, वो सब चीजें कम हो गई है। ओके, इसका परस कितने दिन करना चाहिए? 2 महीने के आसपास का है इसका। ओके, तो जितना हो सके इतना करना चाहिए परहेज। ओके, परहेज क्या क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब अभी तो जैसे 1 घंटे के लिए पानी वानी नहीं पीना है। ओके, अभी 45 डेज बोले ना, 2 महीने के लिए क्या नहीं खानी चाहिए उसमें? अब वो पूरे पर्चे में लिखा हुआ है। मैं आप तो 3 साल पहले से यूज कर रहे हैं ना, जब कुछ 3 साल बीच में गैप भी तो हुआ है वापस। वो देने बाद वो लोग बोलेंगे, जब पर्चे में देखे, पर्चे में जो लिखा है उस हिसाब से पूरा कोर्स करेंगे। ओके, आपकी कुछ फैमिली परिवार के लिए भी लेके जा रहे हैं ना आप? ये 5 जने आए हैं हम पूरे परिवार। ओके, चूडी 5 मेंबर्स वच्चार इकड़, मतलब फैमिली इकड़ के वच्चेशारु, एंड आप पूरे लोग एक ही प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो। ओके, आप लोग ले लिए प्रसाद, मच्छी प्रसाद ले लिए। ओके, भरोसा करेंगे और जल्दी कम हो जाएगा आप लोगों को। कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड, देहरादून से। उत्तराखंड? हाँ, उत्तराखंड देहरादून। ओ, उत्तराखंड से आए हो। ओके, क्या है आपको प्रॉब्लम है क्या? मेरी पत्नी को प्रॉब्लम है। okay. मेरी हल्की सी थी, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? कैसा पता? नेट के द्वारा है ना आपके? कोई लोग आए थे? कोई हमारे वही उत्तराखंड से, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कोई आए थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया मुझे। उन्होंने बताया था। ओके, फर्स्ट टाइम आए? कब आए यहाँ पे? हम कल रात को आए। कल रात को आए? रात को आके यहाँ से वेट करें? यहाँ पे हो गया, हमारी दवाई मिल गई हमको। दवाई मिल गई जी। कितने बजे ठहरे यहाँ पे लाइन में? यहाँ पे लाइन में हम आए थे 8:30 बजे सुबह में। 8:30 बजे आए? अब तो क्या टाइम हो रहा है, 3:30 बजे। ओके, अभी तक लाइन पे? हाँ जी। ओके, और ये दवा लेने के बाद, आपको ये जो प्रसाद लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लोग आ रखे तो कहीं ना कहीं एक जो है कि अच्छी फीलिंग तो हो रही है। ओके, वो दाले बाद कुछ प्रॉब्लम होता? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कितने देर तक कुछ आहार नहीं लेने चाहिए? ये उन्होंने बताया कि 2 घंटे कम से कम तक कोई आहार नहीं लेना है, बाकी उनका फूड चार्ट बना हुआ है, क्या चीज खानी है क्या नहीं चीज खानी है। वो डब्बी में क्या दे रहे हैं आपके छोटे डब्बे में? प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद कितने दिन लेना है? वो प्रसाद 10 दिन लेना है। 10 दिन? 3 दिन? 3 दिन? 3 दिन लेना है। 3 दिन लेना है आपको? मालूम है कैसा लेना है? हाँ बता रखा हूँ ना। बोलिए, कब कब खाना खाते हो प्रसाद? वो सुबह, हाँ देर देर किया, 23 जून, 7 जुलाई और 3 दिन, 10-15 दिन के बीच में दरमियान में खाते रहना चाहिए। कहाँ से हो आप? हम राजस्थान, अलवर। राजस्थान नुंचे वच्चारंडी। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? पहली बार आए हैं। ये पहली बार आए? कोई आए थे क्या आपके परिवार के लोग? नहीं तो अभी कुछ नेट में देखे, रिलेटिव यहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर मछली का प्रसाद मिलता है। ओके, वो दमा में बहुत फायदा करता है, तो मेरे बेटे को काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसको मैं लेके आया, तो यहाँ भी प्रसाद मिला। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। लड़के को आपको प्रॉब्लम है? ओके, कितने साल से प्रॉब्लम है आपके? कम से कम 5-10 साल। 5-10 साल से? ओके, कुछ आप जब इंग्लिश मेडिसिन कुछ हॉस्पिटल्स में बताते थे क्या? हाँ, इंग्लिश मेडिसिन काफ़ी दिनों से खिला रहा हूँ, जयपुर में भी खिलाया। अच्छा, अलवर भी खिलाया, दिल्ली भी खिलाया, सब जगह खिलाया, लेकिन
पूरा इलाज हो नहीं पाया। नहीं हो पाया, ओके। अभी यहाँ पे भरोसे से आ पाए? अभी हम विश्वास से आए हैं, देखते हैं ईश्वर की कृपा से सही होगा। चूसारा फ्रेंड्स, राजस्थान चली वच्चारु एंड इक्कड हैदराबाद वाला रिलेटिव्स उंटारट चेप्पडं वल्ल वाळ्ळु राजस्थान चली वच्चेसि इक्कड चेप प्रसादं तीसुकोवडं जरिगिंदि। वाळ्ळ अब्बायिकि 10 इयर्स् चली प्राब्लम उंदट, आ प्राब्लम कोसं वाळ्ळु इक्कडिकि रावडं जरिगिंदि।